गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा 11 चल रहा था। कल की क्लास में हमने किया था ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका आज हमारा क्या है। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखे थे कैसे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का हमने फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उसके हम आज देखते, क्वेश्चन देखेंगे पहले, ठीक है। फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ठीक है। आपको अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है तो आपको ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे प्रॉफिट आप निकाल लोगे। आपको क्वेश्चन में अगर सीपी दे दिया, एसपी दे दिया, देना प्रॉफिट निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिट में अपॉन देखिए नीचे क्या आएगा, सीपी, सीपी डेट में कॉस्ट प्राइस। आपको ये पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होंगे, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होंगे, सेलिंग प्राइस पे नहीं होंगे। बिकॉज हमने चीज कितने में परचेज की, कॉस्ट कितनी हमारी, उस पे होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस पे ही होगा, सेलिंग प्राइस पे तो होगा नहीं। हमने चीज के परचेज की उस पे हमारा लॉस एंड प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो डेट मीन्स हमेशा कैलकुलेट किस पे होंगे, सेलिंग प्राइस पे, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ओके 100 आएगा, और लॉस में आपका लॉस आ जाएगा अपॉन में सीपी इनटू, बस यहाँ चेंज हो गया, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए हमारा क्वेश्चन अब क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का हमें फॉर्मूला पता है, तो हमारा क्वेश्चन आ गया कि ए बुक कॉस्ट इज, ए बुक की कॉस्ट क्या है। हमने बुक परचेज की मार्केट से, तो उसकी कॉस्ट क्या आई हमारी, हम परचेज करके लेके आए 36 रुपीज में, हम एक बुक परचेज करके लेके आए, ठीक है। उसकी कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास 36 रुपीज, ठीक है। एंड सोल्ड इट, हमने वो बुक आगे सोल्ड कितने में कर दी, सेल कितने में की, हमने इसको किया 40 रुपीज में, ठीक है। हमने उसको सेल आउट कर दिया 40 रुपीज में। तो देन अब क्या करना है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। आपको देख के पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, दैट मीन प्रॉफिट हो रहा है, ये तो हमें पता चल रहा है क्वेश्चन देखते ही कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया पहले। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें प्रॉफिट चाहिएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 40 माइनस 36 कॉस्ट प्राइस, तो 4 रुपीज हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि हमें प्रॉफिट निकालना है, हमें पता प्रॉफिट निकाल लिया। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, है ना। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेट ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस, ओके। तो हमें कॉस्ट प्राइस कितना है, 36 मल्टीप्लाई में आपको पता है 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है ना, प्रॉफिट अपॉन 100, सॉरी सीपी इनटू 100, ठीक है। कॉस्ट प्राइस लिख दिया हमने। अब देखिए, अब आप करके देखिए, आपने देखा 4 36, 4 की टेबल में 36 आता है ना, कितने टाइम्स बुक करने पे आता है, 9 टाइम्स 4 9 जा 36, ओके। तो यहाँ आपका 9 आ गया, ओके 9 आ गया। अब क्या बचा, 100 अपॉन 9, ये रह गया ना, 100 अपॉन 9 आपके पास आ गया। अब सिंपल सा इसको डिवाइड कर लो, 9 उन 9, ठीक है, ये आ गया आपके पास 11 क्वेश्चन में आ गया ना आपका 11। हम जैसे वो फ्रैक्शन, वो मिक्स फ्रैक्शन आते थे, 11 1 रिमाइंडर 9%, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए 11 by 1 upon 9, ठीक है, परसेंटेज हमारा इतना ही आंसर आ गया। समझ में आया यहाँ तक सभी को, कि हमें परसेंटेज कॉस्ट और प्रॉफिट, एक लॉस का फॉर्म और देख लीजिए, क्वेश्चन लॉस वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, लॉस प्रॉफिट इसका परसेंटेज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल, टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, टेबल की कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 600 रुपीज। हमने टेबल परचेज की, कितने में परचेज की, 600 रुपीज में हमने टेबल परचेज कर ली, और हमने उसका सेलिंग प्राइस क्या है, लेकिन वो टेबल हमने में सेल आउट कितने में की, 576 रुपीज में हमने उसको सेल आउट कर दिया। देखते आप बता दोगे कि हमने परचेज तो 600 में किया, लेकिन कम रुपीज में, है ना, हमने कितने रुपीज कम में उसको टेबल को सोल्ड आउट कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, वो प्रॉफिट लॉस हो गया। ये तो हमें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि हमारा लॉस हो रहा है ना। ये क्वेश्चन देखते आपको फटाफट से माइंड में आ जाना चाहिए कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखिए लॉस निकालोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लॉस के लिए क्या करो, होता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है 600 सबट्रैक्ट सेलिंग प्राइस 576, है ना,
कितना आ जाएगा देखिए, 10, 6, 4, 2, ठीक है, 24 हमारा लॉस आ गया। आपको यहां तक पता चल गया कि लॉस कैसे फाइंड आउट किया, हमें पता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, सिंपल सी बात है कि हमारा लॉस होगा, लॉस हमारा 24। अब लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉस परसेंटेज के लिए आप देखिए, आपको लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पता है कि लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, ठीक है 600 कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इस पे कैलकुलेट होंगे। तो अब देखिए ये हमारा जो लॉस परसेंटेज का बन गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप देखेंगे 100, अब कैसे करेंगे, पहले आप कट करो, देखो कैसे डिवाइड करें, 100 को 6 टाइम करेंगे तो 600 आ गया ना, 100 में 100 का डिवाइड किया तो हमने कितना आया 1, यहाँ 6 टाइम, ठीक है 6 टाइम आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 6 4 जा 24, 4% हमारा लॉस हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन आ जाता है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे क्या बोल रहा है, फिर लॉस जो परसेंटेज आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कर दोगे। हमेशा ध्यान रखना कि लॉस एंड सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस, नीचे यहाँ कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, ठीक है, वो कुछ भी हो आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस ही आ जाएगा ऑलवेज, ओके। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अभी, ठीक है। चैप्टर अपना ये क्वेश्चंस जो आपकी 11.2 की प्रैक्टिस करके आओगे घर से, ठीक है, इनमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कल अपने कल की क्लास में डाउट्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, ओके। तो 11.2 की प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम देख लेंगे उसका एक टेस्ट लेंगे, ओके।